क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? खिलौने मिल गए आपको? ट्वाइस मिल गए खेलें खेलें खेलें, एंजॉय करें। सुरेश जी नानों के घर आए हुए, उसको यहाँ आते ही ट्वाइस मिले हैं और अपने ट्वाइस के साथ ना खूब एंजॉय कर रहा है। लिफ्ट नहीं करवा रहे? हाँ जी लिफ्ट नहीं करवा रहे, सुरेश किसी को लिफ्ट नहीं करवा रहा। ट्वाइस ट्वाइस के साथ क्या बातें हो रही हैं सुरेश? ट्वाइस के साथ फाइट हो रही है? ट्वाइस से फाइट हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे। तो आज जो है शबीर जो है अपने नाना जी के घर आया हुआ है। तो ये नाना जी खड़े हैं और ये सफदर भाई हैं, शबीर के मामू हैं। एक ही मामू है, सिंगल है, और सिंगल नहीं सॉरी मैरिड है, वैसे एक है सिंगल। तो आज ये प्लान बना है कि शवेज के नाना अबू के घर का जो है ना आप लोगों को टूर करवाया जाए। आए घर का जो है ना टूर स्टार्ट करते हैं। घर जी यहाँ से स्टार्ट होता है, बाहर गली है, ये मेन एंट्रेंस का गेट है, यहाँ से शुरू होता है, यहाँ एक कॉरिडोर जा रहा है, ये देखें इनके फ्लावर्स हैं, इधर से एंट्री होती है और यहाँ से ये कॉरिडोर है। और ये माशाल्लाह जो गमले हैं ना, बड़े खूबसूरत गमले रखे हैं। ये जी अंकल का स्पेशल शौक है इनका, इनको गमलों का और फूलों का और गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। ये सब जो है इनकी वजह से ही है। तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है ये वाले। यहाँ से ये कॉरिडोर ख़त्म होता है और आगे जो है ये एक लॉन सा बना हुआ है, उस कॉरिडोर के एंड पे वो कॉरिडोर खत्म होता है। तो यहाँ पे एक इन्होंने लॉन बनाया हुआ है, गार्डनिंग वगैरह की हुई है, चेयर्स वगैरह हैं बैठने के लिए, खूबसूरत जगह है रेस्ट करने के लिए, पुरसकून जगह है, खामोशी है यहाँ पे। और यहाँ पे एक छोटा सा लॉन बना हुआ है, घास लगी हुई है और साइडों पे जो है ना पौधे लगे हुए हैं। ये लीमू का पौधा, ये लीमू लगा, ये एक लीमू का पौधा भी इन्होंने लगाया हुआ है। इनके घर पे भी देसी लीमू है, जैसे हमारे घर में लगे हुए ना, इनके पास भी देसी लीमू है। ये जो चंबेली का पौधा है माशाल्लाह, इनको भी शौक है गार्डनिंग का, पौधे वगैरह लगाए हुए हैं। ये अमरूद का पौधा है लेकिन लगते नहीं है। ये अमरूद का पौधा है लेकिन इसके ऊपर जो है ना फल नहीं लगता, ये बगैर फल वाला अमरूद। फल में सिंगल है, इसके लिए वो क्या कहते हैं ना, डबल होगा तब भी लगेगा। ये बैक साइड पे ये किस चीज़ का पौधा है? ये वाला, ये कोई सुखचैन टाइप का पौधा है, ये भी बड़ा खूबसूरत है, दो शेड में वाइट और ग्रीन में। और ये केले के पौधे हैं, इस पे केले लगते हैं या नहीं लगते? ये जी इसके ऊपर केले भी लगे हुए हैं, ये देखें, ये केले का फल है, आप देख लें केले का फल कैसे होता है। और ये घर का जो है ना बैकयार्ड से आप कह सकते हैं, यहाँ पे गार्डनिंग भी है, फ्लावर्स भी हैं, पौधे भी हैं। और ये जो है ना ये स्टोर है, घर का स्टोर है, सारा जो घर का कबाड़ होता है ना वो इस कमरे में पड़ा हुआ है। तो ये घर की बैक साइड थी और ये पीछे डोर है, ये बैक साइड से कनेक्टेड है, इधर से आना जाना, इधर लॉन्ड्री वगैरह होती है, कपड़े वगैरह वॉश करके इन तारों पर डाले जाते हैं। तो ये घर की बैक साइड का माहौल है। तो अभी चलते हैं घर के फ्रंट वाली साइड से और मेन एंट्री से और अंदर का नज़ारा आपको दिखाते हैं। इधर से मेन गेट है और मेन गेट से इधर बैक की तरफ रास्ता जा रहा था और यहाँ पे इसकी मेन एंट्री है घर की। तो ये ग्रिल लगी हुई है, खूबसूरत सी ग्रिल है और यहाँ से एंट्री होती है इसकी। तो घर में एंटर होते ही साथ ही यहाँ पे सिटिंग का अरेंजमेंट किया हुआ है, जो गेस्ट वगैरह आते हैं बाहर से उनके लिए बैठने की जगह है और साथ में डाइनिंग टेबल भी लगाई हुई है इन्होंने। और मेन डोर आगे बना हुआ, ये इन्होंने बाद में लगाई है, जो ग्रिल वगैरह है ना ये इन्होंने बाद में अरेंजमेंट की, पहले यहाँ पे ना बरामदा टाइप का था, तो अभी इन्होंने ग्रिल वगैरह लगा के ना इसको गेस्ट के लिए ये प्लेस बनाई है। और मेन डोर एंटर होते ही साथ ही इनका बेडरूम है जी, गेस्ट के लिए बेडरूम बनाया हुआ इन्होंने, डेकोरेट किया हुआ है, साथ में उस साइड पे वॉशरूम है। और ये जो है इसकी लकड़ी की कबर्ड बनी है, ये कर्टन की बैक साइड पे वॉशरूम है इसका। तो माशाल्लाह फूलों का बहुत ज्यादा शौक है अंकल को, उन्होंने काफी सारे फूल जो है ना दीवारों के ऊपर भी लगाए हुए हैं आर्टिफिशियल टाइप के। तो नेक्स्ट बेडरूम से निकलते हैं, गेस्ट बेडरूम से निकले तो साथ ही एंटर हो गए। ये इनका अभी टीवी लॉन्च है, यहाँ पे टीवी की सेटिंग वगैरह, गेस्ट वगैरह के लिए बैठने की जगह बनाई, काफी ज्यादा वुड वर्क किया हुआ है। साथ में ये सीढ़ी जा रही है, ये फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रही है।
ये टीवी लाउंज है, टीवी लाउंज के साथ ये दूसरा बेडरूम है। इस बेडरूम में इन्होंने सोफे वगैरह लगाए हुए हैं बैठने के लिए, और इसके अंदर और ये जो कर्टन है ये हटाएं तो सामने विंडो है, और विंडो जो है वो बैक यार्ड को खुलती है, जो बैक आपको दिखाया है उसी को ये कनेक्टेड है। इस बेडरूम से निकले तो फिर ये टीवी लाउंज, और टीवी लाउंज के साथ तो ये दूसरा बेडरूम है। इस बेडरूम में हम भी काफी नफरें रात गुजारी है, और साथ में इसका वॉशरूम है इसके साइड पर। ये इसकी अलमारी मिरर है और ड्रेसिंग भी बनी हुई है। और ये माशाल्लाह ये चेयर्स है ना, ये बड़ी खूबसूरत स्टाइलिश है, पुराने जमाने की है मेरे ख्याल में, आई थिंक बहुत पुरानी चेयर्स है, और अभी तक जो है ना बहुत ही अच्छे पेंट में और अच्छी कंडीशन में पड़ी हुई है, तो अच्छी लकड़ी से बनी हुई इसलिए इतनी देर चल गई है माशाल्लाह। वो चेयर्स पड़ी हुई वो भी बड़ी खूबसूरत है, पुराने जमाने की, बड़ी स्टाइलिश और डिजाइन बना हुआ, वुड वर्क काफी मेहनत से किया हुआ चेयर्स के ऊपर। तो ये सेंटर पार्ट है घर का, इसके साथ इधर भी बेडरूम है, और इधर मेरी बैक साइड पे भी बेडरूम है, और साथ में किचन है। किचन आगे चल के दिखाते हैं। तो ये घर का किचन है जो मेन जगह होती है घर की। सामने ये चूल्हा पड़ा है, ये फ्रिज है, ओवन है, और ये शेल्फ बनी है, और सब के अरेंजमेंट्स हैं वो आप खुद ही देख लें क्या क्या है। और तीसरा बेडरूम है माशाल्लाह, ये बड़ा खूबसूरत सेट किया हुआ है। ये सफदर भाई का रूम स्पेशल है, अंकल जी की बहू उनका ये कमरा है माशाल्लाह, उन्होंने बड़ा खूबसूरत और अच्छी तरह डिकोर किया हुआ है। ये उनका बेडरूम है, बाकी इस साइड पे वॉशरूम है, और ये सोफे वगैरह लगाए हुए हैं, और छत जो है वो बड़ी माशाल्लाह खूबसूरत सजाई हुई है, लाइटिंग वगैरह जो है ना वो बड़ी खूबसूरत की हुई है। डिफरेंट कलर के ग्लोब्स हैं, येलो, ग्रीन, ब्लू, सारे कलर्स डाले हुए हैं छत में। यहाँ से फर्स्ट फ्लोर को सीढ़ियाँ जाती हैं ऊपर जा रही हैं। अभी जो है हम लोग छत पे आ गए हैं, और छत पे जो है ना एक ये ममटी बनी हुई है, और दूसरा ये स्टोर रूम बना हुआ है, इसके अंदर भी स्टोर वगैरह बनाया हुआ है उन्होंने, चीज़ें वगैरह जो घर की ना वो रखी हुई हैं, और कोई जो सामान वगैरह फालतू होता है वो इस कमरे में रखा हुआ है। और बाकी जो है सारी छत जो है खाली है, गर्मियों में सोने के लिए परफेक्ट है, अगर रात को लाइट चली जाए गर्मी में तो आप छत पे आएँ, चारपाई लगाएं और मज़े से सोएं, क्योंकि यहाँ पे जो हवा है ना वो अच्छी खासी लगती है गर्मियों में। एक ये ऊपर वॉशरूम भी है, क्योंकि नीचे जाने की ज़रूरत ना पड़े, सारा कुछ ऊपर ही अरेंज किया हुआ। तो माशाल्लाह ओवरऑल जो है सारा घर जो है अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है, परफेक्ट है एक फैमिली के लिए जाना, एक फैमिली घर लगता है, क्योंकि उसके अंदर सेंटर में टीवी लॉन्च, साइडों पे बेडरूम्स हैं, साथ में किचन भी है, और जो सारी चीज़ें हैं प्रॉपर अवेलेबल हैं घर में, जो एक घर को परफेक्ट बनाने के लिए हो। ये जो घर है तकरीबन जो है कोई 30 से 35 साल पुराना घर है, लेकिन आज भी अच्छी कंडीशन में है। थोड़ा नीचे हो गया है क्योंकि ज़ाहिर साइडों से गलियां वगैरह रोड जो हैं वो ऊँचे हो गए हैं, और घर जो है ऐसा ऐसा नीचे चले जाते हैं, तो लेकिन फिर भी इसके बावजूद अच्छी कंडीशन में है ये इस टाइम। और यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे अंकल का एक और शौक भी है कि यहाँ परिंदों को जो है ना दाने वगैरह भी डालते हैं। ये देखिए जी, ये सारे दाने इन्होंने डाले हुए हैं, यहाँ से परिंदे वगैरह आते हैं, खाते हैं और अपना पेट पूजा करते हैं, और साथ में ये पानी वगैरह भी रखा हुआ है, खाते पीते हैं और पानी पीते हैं फिर उड़ जाते हैं। ये वाला जो काम है ना बहुत ही अच्छा काम है, ये हर किसी को करना चाहिए, अपनी छत के ऊपर दाने और पानी रखे, ताकि जो भूखे परिंदे होते हैं ना वो आएँ खाएँ पिए, में वो रोटियों वगैरह के टुकड़े डालते हैं वो भी पानी पड़ा हुआ है। तो माशाल्लाह अंकल ने परिंदों के लिए अच्छा खासा इंतज़ाम किया हुआ है, पानी का भी और क्या कहते हैं दाने वगैरह का भी काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट्स है, परिंदे आते हैं खाते पीते हैं और पानी पी के चले जाते हैं। तो ये कुछ था हमने आपके साथ शेयर किया शवेज के नानाबू के घर का कंप्लीट टूर, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और अच्छा घर बना हुआ था। तो उम्मीद है आप लोगों को भी अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमें दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। जा रहे हैं जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, बाय 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 बाय।